अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैगन आलू की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, जो टिफ़िन बॉक्स हो या आप साइड डिश के तौर पर इसे बना सकते हो। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चमचे तेल। तेल अच्छा गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हींग, साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और ये देखिए, प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे देखिए इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन। तो ये देखिए, बैंगन के भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और ये मैंने 200 ग्राम बैंगन लिए हैं। बैंगन को मैंने काट कर पानी में भिगो कर रखा हुआ था, वरना ये काले पड़ जाते हैं। तो बैंगन को भी हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। एक से 1.5 मिनट तक देखिए मैंने बैंगन के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए हम फिर से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। कुछ सेकंड भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो ये 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने, जिसे चॉप कर लिया है। साथ में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और 8 से 10 कड़ी पत्ता। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बहुत ही कम मसालों में हम इसे बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए, फिर से मैंने अच्छी तरह से 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना पानी ऐड किया है, ताकि आलू और बैंगन अच्छी तरह से गल जाए। मिक्स करेंगे। और अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था 8 से 10 मिनट। और ये देखिए, तेल अच्छी तरह से छूटने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से हमने धनिया को भी मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, आलू कितने अच्छी तरह से गल गए हैं और बैंगन भी। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए, कितनी टेस्टी हमारी बैंगन आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये मैंने सर्व कर लिया है, आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।